नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वास्तु के इस सीरीज में पति पत्नी के बीच के झगड़े या परिवार के साथ आपका रिलेशन क्यों खराब होता है, किस वास्तु दोष के कारण होता है, इसी का विश्लेषण करने जा रहे हैं। क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि प्रत्येक घरों में ये समस्या उत्पन्न हो रही है, नई नई शादियाँ टूट रही है। इसका कारण क्या है, लोग इसको समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। पहले भी तो शादी होती थी और लंबे समय तक चलता था। ऐसे आपको बता दें कि पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश था जो लोग, विश्व के लोग तरसते थे कि इस प्रकार का रिलेशन हमारे देशों में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ लंबी शादी क्यों नहीं चलती है, लंबा रिलेशन क्यों नहीं चलता है। इसी को थोड़ी सी बारीकी से हम समझने की कोशिश करेंगे और ध्यान से देखेंगे कि यह कैसे वर्क करता है। सबसे पहली बात आती है कि हम देखते हैं कि पति पत्नी के बीच के रिलेशन का कौन सा ग्रह है जो इफेक्ट करता है। ग्रह को समझें, अगर हम स्त्री के क्षेत्र में देखें, उसके कारक ग्रह जो होता है रिलेशन को डेवलप करने का या उसके जीवन में खुशी लाने का, शादी विवाह से संबंधित, जोड़े से संबंधित, वह है बृहस्पति, जुपिटर। क्योंकि और पुरुष के क्षेत्र में अगर देखें तो यह है शुक्र। तो ये दोनों चीज़ क्लियर हो गया। जब भी शादी में विलंब होती है, लेट होता है, उसका कारण अगर होता है हम देखते हैं तो जुपिटर होता है। आप देखते होंगे कि लोग जो जितने भी ज्योतिषी हैं वो केले की पूजा इत्यादि, बृहस्पति इत्यादि करवाने लगते हैं, और शुक्र खराब होने से जो है लड़के की शादी नहीं हो पाती, उसके जो जीवन साथी है नहीं मिल पाता है। उसके बारे में तो हम बात करेंगे, उसके साथ हम करेंगे कि क्या ये दोनों की स्थिति खराब क्यों हो जाता है, शादी के बाद भी खराब क्यों हो जाता है। क्योंकि उसकी बुद्धि अर्थात बुध जो है साथ नहीं देने लगता है, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में सामंजस्य, समझौता या एक दूसरे को समझने की स्थिति खराब हो जाती है। तो अब हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि जो बुध है वह दोनों को कंट्रोल कर सकता है, और यह बुध ग्रह कहाँ पे है, आपका 0 डिग्री पर जहाँ उत्तर दिशा है वहीं बुध का क्षेत्र है। जहाँ जुपिटर की बात करें, वह ईशान कोण जहाँ है उसके स्वामी जो हैं सो बृहस्पति हैं, और अग्नि कोण जहाँ हम बात करें उसके स्वामी जो है सो शुक्र है। यहाँ पर कोई वास्तु दोष अगर उत्पन्न हो जाता है आपके कुंडली में या घर में जहाँ आप रहते हैं, तो ये स्थिति उत्पन्न होगा ही होगा। तो हम अब इसको देखते हैं कि बारीकी से कि कैसे इस क्षेत्र में कोई दोष उत्पन्न होता है। सबसे पहले आते हैं कि हम ईशान कोण को लेते हैं, क्योंकि पति पत्नी के बीच में पहले जो है स्त्री को लेते हैं, लड़की को लेते हैं। यहाँ पर जुपिटर में अगर यह जल तत्व का क्षेत्र है ईशान कोण, अगर यहाँ पर हम अग्नि का प्रवेश कर देते हैं तो यह निश्चित रूप से रिलेशन में खटास लाएगा और रिलेशन को तार तार करेगा, उसकी सामंजस्य को तार तार करेगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर किसी प्रकार का सबसे पहले जो है वहाँ पर आपका किचन आ गया हो, क्योंकि आज के डेट में जो हो रहा है मल्टी का युग चल रहा है, लोग जो है फ्लैट में रहते हैं और वह वास्तु को देख नहीं पाते हैं। आपको बता दें कि 90% सर्वे में ऐसा आया है कि जो आज की शादियाँ टूट रही है, जितने फ्लैट में रहने वाले हैं उस पर सबसे ज़्यादा उसकी संख्या है। तो ये बहुत ही, क्योंकि वर्ल्ड लेवल के सर्वे के आधार से बोल रहा है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसका मतलब है कि वहाँ पर आपका कहाँ पर, ईशान कोण पर। ईशान कोण कहाँ है, 45 डिग्री पर। दो दीवार मिल करके ये बन रहा है, उत्तर के दीवार और पूर्व का जो दीवार मिलता है कोण है वहीं पर जो है सो आपका ईशान कोण है। इसके ही स्वामी ग्रह जो हैं सो आपके बृहस्पति हैं। तो यहाँ पर आपको बैलेंस करना जरूरी है। लाल कलर आ गया हो, लाल बल्ब जल रहा हो, लाल पर्दे लगे हुए हैं, लाल किसी प्रकार का कोई जो है सो आप इंटीरियर करवा लिए हैं, तो निश्चित रूप से क्या है कि यह डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो रहा है।
ऐसे हम वास्तुशास्त्र में देखते हैं कि यहाँ पर पूजन स्थल होना चाहिए, लेकिन अब ध्यान रखें कि लोग यहाँ पूजन में भी रेड कलर करवा लेते हैं, वहाँ का जो है सो इंटीरियर रेड कलर करवाते हैं, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ है और धर्म से जुड़ा हुआ है तो रेड कलर करवा लेते हैं, पीला कलर करवा लेते हैं, ये बिल्कुल गलत इफेक्ट देने लगता है और यहाँ की जो स्थिति है वो ऐसा उत्पन्न कर देता है कि लोग तलाक तक पहुँचते हैं। अब हम दूसरी बात आते हैं, और यहाँ क्या क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपने क्लेटर रख दिया है, कोई कबाड़ रख दिया है, स्टोर रूम बना करके रख दिया है, धूल धक्कर है, अगर इसको अजमाइश करना है तो कोई भी एक सामान जैसे कहें सीमेंट के 6 बोरी वहाँ पर 6 महीने के लिए रख दें तो आर्थिक स्थिति आपकी खराब हो जाएगी, पति पत्नी के बीच में झगड़े उत्पन्न होने लगेंगे, कोई न कोई बीमारियाँ उत्पन्न होगा ही। तो ये बहुत अगर अजमाइश करने की बात अगर आप कहते हैं तो वास्तु में, तो जो नहीं वास्तु मानने वाले हैं वो ऐसा करके देख लें, जीवन में अगर उसे ऐसा उत्पन्न हो रहा है स्थिति तो आप समझें कि यह स्थिति वास्तु शास्त्र विज्ञान है और आप इसको मानना चाहिए और जीवन में खुश और आनंदित रहना चाहिए। अब हम आते हैं शुक्र की स्थिति। शुक्र की स्थिति को समझे कि अगर अग्नि कोण में जल तत्व तो आ गया हो, अर्थात यहाँ पर वाटर हेड टैंक आ गया हो या अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ गया हो, सेप्टिक टैंक आ गया हो, बोरिंग आ गया हो, गड्ढा हो, या वहाँ का कलर आप नीला ब्लैक कर दिए हैं, तो ये स्थिति ठीक उत्पन्न हो जाती है। या यहाँ आप पति पत्नी के बीच का कमरा जो बेडरूम होता है मास्टर बेडरूम आपने बना दिया, यहाँ पर पर्दे इस कलर का आपने लगा करके रखा है, नीला कलर का, ब्लैक कलर का, यहाँ पर आप बेडशीट जो बिछाते हैं नीला कलर का, ब्लैक कलर का बिछा दिया है, व्हाइट कलर का बिछा दिया है, तो ये स्थिति आपकी उत्पन्न होगी ही, इसमें कोई नहीं तोड़ सकता है। अब आता है कि ये सब को हम मिलाते हैं कि आपको बुद्धि अगर है तो सोच समझ है तो आप निश्चित रूप से जो है सो इसको बचा सकते हैं, लेकिन आप उत्तर में भी अगर रेड कलर ले लिए हैं या वहाँ पर येलो कलर ले लिए हैं, पीला कलर ले लिए हैं, यहाँ पर कोई कबाड़ रखे हैं, जूता शोरूम रखे हैं या किसी प्रकार का क्लेटर रूम रख दिए हैं, तो ये स्थिति आपकी उत्पन्न होगी ही, इसमें कोई दो मत नहीं। अब आते हैं कि लोग कहते हैं ना कि मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरे दिमाग का दही मत करो, मेरा दिमाग ही घूम गया है। इसका मतलब वास्तु पुरुष का दिमाग कहाँ है, इस चीज़ को समझें। वास्तु पुरुष का दिमाग जो है सो ईशान कोण में है, और ईशान कोण में विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर कोई स्थिति उत्पन्न ऐसा नहीं हो। अब हम कुंडली के आधार से देखते हैं, कुंडली के आधार से या वास्तु की और बारीकी में हम जाएंगे तो किसी के साथ अगर आपका झगड़ा हो रहा है, किसी के साथ रिलेशन खराब हो रहा है, अट्रैक्शन कम हो गया है, एक दूसरे के प्रति लगाव खराब कम हो गया है, खराब हो गया है, तो ये दो क्षेत्र आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। यह है एक तो नैऋत्य कोण आता है 225 डिग्री पर दक्षिण और पश्चिम के कोण को, यहाँ पर भी किसी प्रकार का नीला कलर, ब्लैक कलर का, रेड कलर आ गया है तो यह स्थिति उत्पन्न होगा, कीचड़ आ गया है तो ये स्थिति उत्पन्न होगा, रिलेशन आपका खराब होगा। उसके बाद एक क्षेत्र आता है नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ, ये आकर्षण का क्षेत्र है, यह जो सोलह जोन में है यह आकर्षण का क्षेत्र है, यहाँ पर भी अगर आपका रेड कलर आ गया हो, पीला कलर आ गया हो तो ये स्थिति उत्पन्न करेगा। यहाँ आप या तो जाने अनजाने में किसी प्रकार का जो है सो हिंसक पशु का चित्र लगा दिए हैं या किसी प्रकार का जो है विघटित चित्र लगा दिए हैं, टूटा फूटा वहाँ पर कोई भी इंटीरियर रखा हुआ है तो ये स्थिति उत्पन्न करेगा। तो ये सारे चीज़ को हम अब आते हैं उपाय पर। आप देखिए अगर ईशान कोण में आपका जो है सो किचन आ गया है तो क्या करें, रेड कलर आप हटा सकते हैं, पीला कलर हटा सकते हैं, सारे जो है सो पर्दा इत्यादि हटा सकते हैं, लेकिन किचन आ गया तो वहाँ पर जो बर्नर है, जो चूल्हा है उसके नीचे हरा रंग का पत्थर रख दें तो ये कंट्रोल हो सकता है। या यहाँ पर जो है सो चांदी के वायर से या पत्ती से वहाँ उसके नीचे ग्राउट कर दें तो ये हो सकता है कि आपका रिलेशन बच सके और आप जो है सो ऐसी स्थिति में अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं।
ईशान कोण में अगर हमने ये बताया तो अब अग्नि कोण की स्थिति को देखें, वहाँ पर अगर पानी वाटर टैंक इसको हटा दें, क्योंकि यह जब भी हम आपको ट्रीटमेंट तो कर देंगे लेकिन बार बार ये स्थिति को उत्पन्न करते रहेगा, इसलिए यहाँ से ये चीज़ हटा दें। अब हम आते हैं कि जो है आपका नैऋत्य में किचन है तो वहाँ पर पीला कलर का एक पत्थर वहाँ रख दें और कॉपर वायर चारों तरफ लगा दें या ग्राउट करवा दें तो ये रिलेशन आपका बच सकता है। NWN के क्षेत्र में वैवाहिक जो फैमिली फोटो हैं उसको लगा दें, जो आनंदित फोटो है शादी विवाह का खुशी वाला माहौल का फोटो है वहाँ पर लगा लें तो ये आपका रिलेशन बच सकता है। और यहाँ पर अगर किचन है तो किचन के नीचे हरा पत्थर रख दें या अल्मीनियम का स्ट्रिप लगा दें, लोहे का स्ट्रिप लगा दें तो ये आपको, चांदी का स्ट्रिप लगा दें तो आपका जो है यह रिलेशन बच सकता है। यह बहुत एडवांस वास्तु और वैदिक वास्तु के समायोजन से बनाया गया है, यह आपके लिए बनाया गया है, आप इसके जीवन में उपयोग कर करके काफ़ी लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, टूटते बिखरते संबंध को जोड़ सकते हैं, बनाए रख सकते हैं और आपके जो तलाक होने वाला है वह बच सकता है। अब हम आते हैं कुंडली में। कुंडली में देखिए छठे भाव जो है वह शत्रु का है, वो रोग का है, तो ये इस घर को भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन ग्रह है, पाप ग्रह है, पुण्य ग्रह है या आपके रिलेशन वाला ग्रह वहाँ मालिक बैठा हुआ है, जैसे सातवें घर का जो स्वामी है उसमें बैठ गया है तो यहाँ पर भी उनके दान पुण्य करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब दूसरे भाव कुंडली में, दूसरे भाव और सातवें भाव, यह दूसरा भाव रिलेशन को बताता है, फैमिली रिलेशन को, और सातवां भाव जो है जीवन साथी के रिलेशन को बताता है। अगर हम मान रखिए कि एक नंबर से आपका कुंडली प्रारंभ होता है, मेष राशि से प्रारंभ होता है, एक राशि से प्रारंभ होता है तो दूसरे भाव में दो नंबर आ जाएगा और सातवें भाव में सात नंबर आ जाएगा। एक उदाहरण के रूप में बता रहे हैं, इन दोनों के स्वामी जो है सो आपका शुक्र है और शुक्र को एक्टिवेट करना पड़ेगा, अर्थात अपने जीवन में आपको इत्र इत्यादि का उपयोग ज़्यादा करना है, साफ सफाई रखना ज़्यादा है, या आप ये समझिए कि आप जब भी परफ्यूम इत्यादि छिड़कते हैं तो गले के पूरे क्षेत्र में आप परफ्यूम वगैरह का खुशबू छिड़क सकते हैं, नाभि के नीचे के क्षेत्र में परफ्यूम वगैरह छिड़क सकते हैं, इससे ये दोनों क्षेत्र का जो है सो आपका शुक्र जो स्वामी है वह एक्टिवेट हो जाएगा और रिलेशन को आप बचा सकता है। धन्यवाद, बहुत बारीकी से बहुत अच्छा कंटेंट है, दुनिया में जितना चाहें इसको बांट सकते हैं और उपयोग में ला करके देखें, 100% आपको ये काम करेगा। अगर आप विश्वास के साथ ईमानदारी से आप इसका उपयोग करते हैं तो आपके रिलेशन बच सकते हैं। और एक महा उपाय बता देते हैं कि आपको एक आकर्षक क्या करना है, राधा कृष्ण का झूला झूलते हुए फोटो आप नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ में लगा दें तो संबंध को आकर्षण को बढ़ाएगा और आपके जीवन में आनंदित जीवन देगा, सुखी।